अस्सलामु अलैकुम। ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स, तो कैसे हैं सब भाई? खैरियत से हैं। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज विद सफदर अब्बास यूट्यूब चैनल। तो यस्टरडे का जो मेरा एनालिसिस था वो 100% परफेक्ट था, और मुझे खुद को बड़ी खुशी होती है जब एनालिसिस परफेक्ट होता है और दोस्त अब आपको फायदा होता है। तो ये मैंने बताया था कि ये फर्स्ट वेव्स बनी हैं, ये सेकंड थी, ये थर्ड्स बनी थी, और जैसे जैसे मैंने बताया था कि ये 1900 और 1902 के दरमियान मार्केट जाएगी, तो वहाँ तक गई थी, और वापस मैंने कहा था कि 1887 तक जाएगी, तो वो भी वहाँ तक भी गई है। तो आज का एनालिसिस देखते हैं कि क्या पोजीशन है। आज भी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, तो ये फर्स्ट वेव्स बनी थी छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये सेकंड वेव्स है और ये थर्ड वेव्स बनी है, ये कंप्लीट हो चुकी है, और मार्केट ने रिट्रेसमेंट करना है, और इसका जो लेवल, जो प्रेजेंट लेवल मुझे नज़र आ रहा है फाइनली, वो 1893.65 है। यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, और 1898 को जब क्रॉस करेगी तो 1900 और 1902 तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं बाय के। वहाँ के बाद जिगजैग भी बना सकती है, ये ऊपर नीचे इस तरह भी मार्केट कर सकती है, और अगर उस लेवल को क्रॉस कर गई तो फिर 1810 और 12 के दरमियान मार्केट के जाने के चांसेस हैं। प्रेजेंट जो मुझे लग रहा है, एक नाकस अकल के मुताबिक जो मेरा एनालिसिस है, कि मार्केट के अभी प्रेजेंट को नीचे जाने के चांसेस नहीं है, अगर ये जब तक कि 1900 और 1902 के लेवल को टच नहीं कर लेती। तो मेरा पर्पज़ है आप लोगों को एजुकेशन देना, आप अपनी मर्जी से ट्रेड्स लगाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो।